प्रदेश सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं कि सरकारी और निजी संस्थानों में जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है, वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से आग से बचने की अग्निशामक यंत्र जरूर लगे होने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग कर किसी भी बड़ी घटना को टाला जा सके। सोलन में कुछ संस्थानों को छोड़कर सभी स्थानों पर नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन हद तो ये है कि लोक निर्माण विभाग जो जिलावासियों को अग्निशमन यंत्र लगाने के निर्देश देता है, उनका खुद का रेस्ट हाउस जो पुराने बस स्टैंड के समीप स्थित है, वहां एक वर्ष पहले अग्निशामक यंत्र एक्सपायर हो चुके हैं, जिन्हें अभी तक रिफिल नहीं करवाया गया। अगर यहाँ कभी आग लगती है तो उस सूरत में आग कैसे बुझेगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इस मौके पर शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस जहां हमेशा वीआईपी लोग आकर ठहरते हैं, लेकिन यहां सुरक्षा में चूक देखी जा रही है, क्योंकि यहां सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशामक यंत्र तो लगाए गए हैं, लेकिन ये वर्ष पहले एक्सपायर हो चुके हैं, जिन्हें रिफिल करना बेहद जरूरी है, ताकि आग लगने की सूरत में उसका उपयोग कर आग को तुरंत बुझाया जा सके। मेरा हिमाचल सरकार और सोलन प्रशासन से भी ये निवेदन रहेगा कि सोलन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, जो कि एक वीआईपी एरिया है, जहां पर बड़े बड़े मंत्री सरकार के भी और विधायक जस्टिस अन्य वीआईपी मूवमेंट रहती है। अभी हमने यहां पर एक चीज़ देखी कि जितने भी यहां अग्निशमन यंत्र ये जो लगे हुए हैं, ये सभी जो लगभग हैं एक्सपायरी डेट के हैं, तो मुझे लगता है ये एक सुरक्षा में भारी चूक है। और यहाँ पर इतनी वीआईपी मूवमेंट रहती है, मुझे समझ नहीं आता उसके बाद भी ये निग्लिजेंसी कैसे हो गई, और कैसे जो है ये 2019 में जिनके एक्सपायर हो चुके हैं वो अभी तक लटके हुए हैं। तो सभी से निवेदन है कि सभी की जानों की चिंता करते हुए, जनहित में और वीआईपी मूवमेंट्स को इस रेस्ट हाउस में देखते हुए, इसे तुरंत से तुरंत बदला जाए।